हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुभम ब्रीडिंग फार्म। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉकटेल के बच्चों को लेकर है। हमारे बहुत से दोस्तों का सवाल बना रहता है कि हमारे कॉकटेल बर्ड ब्रीड तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करा पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि जो कॉकटेल बर्ड होता है वो अपने बच्चों को फीड क्यों नहीं कराता है या फिर क्यों नहीं पालता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जब कोई कॉकटेल बर्ड अपने बच्चों को फीड नहीं कराता है, उनको अच्छे से नहीं पाल पाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं आपको पहला रीज़न बता देता हूँ। हमारे बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि कॉकटेल बर्ड को कम उम्र में ही ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करा देते हैं। मेरा मतलब है कि उनकी ब्रीडिंग एज होती नहीं है और आप उनको ब्रीडिंग एज से पहले ही मटकी या फिर ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं। जिस कारण होता क्या है कि आपका कॉकटेल बर्ड ब्रीड तो कर देता है लेकिन वो इतना समझदार और इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपने बच्चों को अच्छे से फीड करा पाए या फिर अच्छे से पाल पाए। दोस्तों, मैं भी कॉकटेल बर्ड ऑलमोस्ट 5 साल से ब्रीड करा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कॉकटेल बर्ड के अंदर। अगर आप कॉकटेल बर्ड को 16 से 17 महीने की उम्र के बाद ब्रीड पर लगाते हो तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी कि आपके कॉकटेल बर्ड अपने बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करा रहे हैं या अच्छे से नहीं पाल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने कॉकटेल बर्ड को 15 से 16 महीने की उम्र के बाद ही ब्रीडिंग बॉक्स दें और उसको ब्रीड पर बैठाएं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो दोस्त होते हैं क्या करते हैं कि अपने कॉकटेल बर्ड को जब उनके नीचे चिक्स निकल आते हैं तब ओनली कंगनी दाना खाने के लिए देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपके कॉकटेल बर्ड के नीचे बच्चे निकल आएँ तो आपको अपने कॉकटेल बर्ड को दिन में 2 से 3 टाइम सॉफ्ट फूड देना है खाने के लिए। सॉफ्ट फूड का मतलब क्या है दोस्तों? सॉफ्ट फूड में आप चने, गेहूं और जो हरी वाली दाल आती है साबुत, उसको गलाकर आप अपने बर्ड को खाने के लिए दें। और जब वो कॉकटेल बर्ड आपका सॉफ्ट फूड खाएगा तो आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि वो अपने बच्चे को भी 100% फीड कराएगा। आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा एक कॉकटेल का पेयर है। इसमें मैंने वाइट फेस कॉकटेल के साथ एल्बिनो रेड आइस की फीमेल लगाई है। ये देखो आप, ये बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरह से फीड करा रहा है। और दोस्तों, मेरा यही पेयर नहीं, मेरे पास जितने भी कॉकटेल के पेयर हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह से फीड कराते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कब होता है? क्योंकि मैं इनको दिन में 2 से 3 टाइम सॉफ्ट फूड खाने के लिए देता हूँ। अगर आप भी अपने कॉकटेल बर्ड को दिन में 2 से 3 टाइम सॉफ्ट फूड खाने के लिए देंगे तो आप भी देखेंगे कि आपका कॉकटेल बर्ड अपने बच्चों को कितना अच्छे से फीड करा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, देखो कितना ज़बरदस्त तरह से ये कॉकटेल बर्ड अपने बच्चों को फीड करा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि 7 दिन में एक बार अपने कॉकटेल बर्ड को कैल्शियम विटामिन का यूज़ ज़रूर कराना है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा कॉकटेल बर्ड हुआ या कोई भी एक्जोटिक बर्ड हुआ वो ब्रीड करता है तो उसके अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी होती है, जिस वजह से वो क्या होता है कि अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आप 7 दिन में एक बार अपने कॉकटेल बर्ड को कैल्शियम विटामिन का यूज़ कराओगे तो आप खुद देखोगे कि आपको बहुत अच्छी ब्रीड देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आई होप सो गाइज, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको होम ब्रीड बर्ड पेट शॉप से भी कम प्राइस में अवेलेबल कराता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जितनी भी ब्रीड आती है ये मैं हमारे भाई लोगों को बिल्कुल पेट शॉप से भी कम प्राइस में सेल करता हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।